खबरें हाईवे पर दरिंदगी ऑटो चालक ने नाम बदलकर छात्रा को जाल में फंसाया फिर दोस्तों संग मिलकर किया दुष्कर्म। फिरोजाबाद में छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना में हैरान करने वाली बात सामने आई है। पुलिस की पूछताछ में पता चला है कि ऑटो चालक के नाम बदलकर युवती को अपने जाल में फंसाया था। इसी का फायदा उठाकर ऑटो चालक और उसके साथियों ने छात्रा के साथ घिनौनी वारदात को अंजाम दिया है। टोंडला के उसाइनी में हाईवे किनारे शनिवार रात बीए की छात्रा के साथ तीन युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म किया है। ऑटो चालक व अपने दो साथियों के साथ जबरन छात्रा को उसाइनी स्थित वैष्णव मंदिर के पास ले गया, जहां सुनसान रास्ते पर ऑटो रोका और युवकों ने छात्रा के साथ दुष्कर्म किया। विरोध पर छात्रा को पीटा भी गया। 17 वर्षीय छात्रा फिरोजाबाद के पास गांव में रहने वाली है। उसने सैनिक के जन्मदिन समारोह में जाना था। रास्ते में परिचित ऑटो चालक वीर उर्फ आबिद छात्रा ने पुलिस को बताया कि उसने फोन पर शाहरुख और जुबेद खा को बुला लिया। इसी बीच झांसे में लेकर किया छात्रा के साथ बलात्कार। हाईवे पर युवक की गोलियों से भूलकर हत्या। शादी समारोह के बाद लौट रहे थे दिल्ली। हिरासत में चार दोस्त। यूपी के मेरठ शहर में अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा है। यहाँ परतापुर थाना क्षेत्र स्थित दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे पर बदमाशों ने एक युवक की गोली से भूनकर हत्या कर दी। बताया गया है कि वारदात के समय मृतक युवक के अन्य साथी एक होटल पर सामान लेने के लिए गए हुए थे। घटना की जानकारी लगते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। बता दें कि युवक अपने चार दोस्तों के साथ रविवार रात मेरठ थाने के लिसाड़ी गेट क्षेत्र में हापुड़ रोड स्थित मोती महल फार्म हाउस में एक शादी समारोह आया था। इसके बाद वह करीब 12:15 में दिल्ली के लिए वापस लौट रहा था। लेकिन जब वह परतापुर तिहाड़े तक पहुंचा तो उसके साथ कार में सवार अन्य साथी सामान लेने के लिए एक होटल चले गए। इसी बीच नकाबपोश के बदमाश आए। उन्होंने लई को निशाना बनाते हुए अंधाधुंध गोलियां बरसा दी। मूर्ति विसर्जन के दौरान किशोर गोमती में डूबा। अवैध बालू खनन बना मौत का कारण। लखनऊ में गोसाईगंज बसौली गांव में रविवार दोपहर मूर्ति विसर्जन के दौरान किशोर नदी में डूब गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों की मदद से किशोर का शव बाहर निकलवाया। परिजनों के कहने पर पुलिस ने पोस्टमार्टम को नहीं भिजवाया है। ग्रामीणों के मुताबिक हादसा अवैध बालू खनन के कारण हुआ था। पंचकुला 16 साल की किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म, नानी समेत कई राउंड अप जारी है। पूछताछ। 16 वर्षीय किशोरी को नशीला पदार्थ खिलाकर सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले में पिंजौर थाने के पुलिस ने नानी समेत कई लोगों के राउंड अप किया है। वही आरोपी विजय सत्तम और शरीफ के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। तीनों आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने अपहरण पॉक्सो एक्ट 6 की धाराओं के तहत केस दर्ज किया है। सूरजपुर निवासी तीनों आरोपियों की तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही है। लुधियाना जाति सूचक शब्द बोलने से रोका तो सरपंच ने साथियों संग मिलकर मार डाला नौजवान। जाति सूचक शब्द और गोलियां देने का विरोध करने पर गांव रूमी में सरपंच ने साथियों के साथ मिलकर 22 वर्षीय नौजवान मनविंदर सिंह की हत्या कर दी। हमले में मनविंदर के माता पिता भी जख्मी हो गए हैं। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी हवाई फायर करते हुए फरार हो गए। पुलिस ने हत्या और हत्या के प्रयास सहित कई धाराओं के तहत मामला दर्ज करके आरोपी सरपंच कुलदीप सिंह, यादविंदर सिंह, गुरजीत सिंह, जेठा सिंह, गिरोह सिंह को गिरफ्तार किया है। आरोपी पंच गुरमीत सिंह मिंटू फिलहाल फरार है। तो MNS न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए MNS हिंदी ऐप आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। तब तक के लिए धन्यवाद।